हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करने का तरीका अच्छे मार्क्स गेन करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर आपका पेपर सॉल्व करने का तरीका अच्छा है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे टिप्स बताऊंगा, उसके आप अभी से प्रैक्टिस करें ताकि आप नीट 2020 में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। आपने कभी देखा होगा कि कम मेहनत करने वाले स्टूडेंट भी अच्छा स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बेहतर होता है। मगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत तो खूब करते हैं मगर फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि उनका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको टॉपर बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है नो नर्वस इन एग्जाम हॉल। दोस्तों, एग्जाम हॉल में पेपर मिलने से पहले हम यही सोचते हैं कि पेपर कैसा होगा, यही सोचकर हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। पेपर मिलने से पहले एक घबराहट और बेचैनी सी बनी रहती है और हम यही सोचने लग जाते हैं कि क्या मैं पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा पेपर छूट तो नहीं जाएगा। तो ये सोचकर हम नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आपने एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही नहीं घबराना है। पेपर उसी में से तो आएगा जो आपने पढ़ रखा है। आउट ऑफ सिलेबस तो पेपर आना ही नहीं है। मेरी एक बात ध्यान रखो, जो होना है वो होकर रहेगा, तो फिर घबराना क्यों। आप दिमाग में यही रखो को मेरे को इस एग्जाम में बेस्ट देना है। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि पेपर हार्ड आएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। पेपर हार्ड आएगा वो सभी के लिए हार्ड होगा, तो एग्जाम हॉल में आपको घबराना नहीं है। ये सोच के एग्जाम देनी है कि जिस सिलेबस से पेपर आएगा वो मैंने पूरा पढ़ रखा है। नेगेटिव नहीं सोचना है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ये विश्वास रखें। तो एग्जाम पेपर मिलने से पहले या मिलते ही आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दूसरा पॉइंट है 3 hours डिवाइड इन 3 subjects। दोस्तों, जो आपको एग्जाम हॉल में 180 मिनट्स का टाइम मिलता है उसको आप 3 subjects में डिवाइड कर लो। इसमें आप बायोलॉजी को 40 से 45 मिनट का समय दें, केमिस्ट्री को आप 50 से 55 मिनट का टाइम दें और फिजिक्स को 60 से 70 मिनट का टाइम दें। इसमें 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है और इसके बाद में ओमआर फिल करने के लिए आप 15 से 20 मिनट का टाइम अवश्य बचा कर रखें। इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें और इसकी प्रैक्टिस आप अभी से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते समय कर लें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तीसरा पॉइंट है इसमें अटेम्प्ट बायोलॉजी फर्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बायोलॉजी फर्स्ट में अटेम्प्ट करनी है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। फर्स्ट तो यह है कि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी सॉल्व करने से आपका आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और दूसरा फायदा यह है कि बायोलॉजी हर स्टूडेंट के लिए इजी होती है, इस कारण आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, जिसके बाद में आप बाकी बचे हुए दोनों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस इन फर्स्ट राउंड। दोस्तों, आप पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करें तो बेहतर होगा। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनका आंसर एक वर्ड में है, यानी शॉर्ट है और इजी है। लेंथी क्वेश्चन को आप सेकंड या थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करें, जिससे आपका समय बच जाएगा और धीरे धीरे आप एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। सेकंड राउंड में मॉडरेट एंड थोड़े से लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, थर्ड राउंड में हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसकी आप अभी से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है रीड क्वेश्चन एंड ऑप्शन थ्रोली। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम आधा क्वेश्चन पढ़कर ही उसका आंसर दे देते हैं। हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इसका आंसर तो ये ही होगा। क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी हो सकता है,
इसलिए आपने क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ना है, उसका ऑप्शन समझना है, फिर उसका आंसर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो और इस बार वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया हो, मगर इस बार सिर्फ उसमें और नोट वर्ड जोड़ दिया गया हो, जिसकी तरफ हम ध्यान न देते हुए और कॉन्फिडेंट होकर गलत आंसर दे बैठते हैं। तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, तसल्ली से क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। आपका एक गलत आंसर आपके 5 नंबर लेस करवा देगा, और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में 1 नंबर की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ लें, 1 मार्क्स की इम्पोर्टेंट तो वही स्टूडेंट जानता है जिसका 2019 में 581 या 582 मार्क्स होते हुए भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसको 1 नंबर की महत्वता का पता है कि एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टिक ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चंस। दोस्तों जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं उस पर आप क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लें ताकि उसको दोबारा देखने की आवश्यकता न हो। मैंने एक ऐसा एग्जांपल देखा है कि एक टॉपर स्टूडेंट का जो क्वेश्चन पेपर को 20 मिनट्स पहले ही सॉल्व कर लेता था, ये 2014 की बात है जब AIPMT हुआ करती थी, उसके बाद वो दोबारा से पेपर को रिव्यू करता था, उसमें उसने सही किए हुए आंसर को भी वो गलत कर देता था। 2 साल तक ड्रॉप करने के बाद तीसरी साल में उसका सिलेक्शन हुआ जब उसने ये गलती नहीं की तब। तो दोस्तों आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन का आंसर एक ही बार देना है और उस पर टिक लगा देना है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप जितनी बार पढ़ोगे उसका आंसर हर बार अलग अलग ही आपको नजर आएगा। इसलिए इन टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और जो अटेम्प्ट कर लिया है उस पर टिक लगा दें ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट न जाए। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्राई टू मैक्सिमम क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड। आपको फर्स्ट राउंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप इस प्रकार से अभी से प्रैक्टिस करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर सको। कम से कम आप 120 क्वेश्चन तो फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर ही लो। एक बात का आपने विशेष ख्याल रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में उलझना नहीं है। आजकल ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो स्टूडेंट को उलझा देते हैं, जिसमें उसका काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका पेपर छूट जाता है। तो आपको ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन में मेरा काफ़ी समय वेस्ट हो रहा है तो आप उसको छोड़ दें। कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन होते हैं जिनके कारण बाकी क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेंड करें जब आपके पास में टाइम बचा हो। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है यूज एलिमिनेशन मेथड। दोस्त फर्स्ट राउंड में आपने इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लास्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन को रखना है जो हार्ड है और उसके आंसर का आइडिया आपको थोड़ा बहुत ही है, यानी कि वो क्वेश्चन आपने पढ़े तो जरूर हैं मगर उन पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन सिस्टम यूज़ करना है। आप चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को निकाल दो कि ये ऑप्शन तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, इनको आप अलग कर लो। अभी आपके पास में बचे हुए 2 ऑप्शन, इनमें से आप अपने विवेक से फिर एक ऑप्शन को निकालें कि इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, और बचे हुए ऑप्शन पर टिक कर दें। लेकिन ये मेथड आपको लास्ट में ही यूज करना है जब आपके पास समय बच रहा हो। कभी भी आपको फर्स्ट में ये मेथड यूज नहीं करना है, अन्यथा आपके पास आगे के क्वेश्चन हल करने के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। तो ये लास्ट में इस प्रकार का मेथड आपने यूज करना है जब आपके पास में टाइम बच जाए। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की टिप्स अपनाकर आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, इसकी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। आप ये समझकर टेस्ट सीरीज सॉल्व करो
जैसे कि आप एग्जाम हॉल में ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों बार बार प्रैक्टिस ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे मेरी बाकी टिप्स माने या ना माने, मगर पेपर में घबराना नहीं है, ये बात ज़रूर मान लेना। एग्जाम से पहले मेरी इस बात का ख्याल रखना कि पेपर तो उसी में से आएगा जिसको आपने पढ़ रखा है, तो आपको निडर होकर पेपर हल करना है। इसमें डर किस बात का है, एग्जाम से क्यों घबराना है? अब आप निडर होकर एग्जाम दोगे, कम मेहनत में अपने विवेक से अच्छा स्कोर कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर पसंद नहीं आता है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, फिर नए वीडियो में, फिर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।